हम ऐसा क्या करें जिससे हम एक अच्छी अपलाइन बन सके। एक लीडर के रूप में अगर आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितनी डेडिकेशन से करनी चाहिए, जितनी ऑनेस्टी से करनी चाहिए, अगर आप सिर्फ उसको करते रहेंगे ना सर, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे अपलाइन बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी, एक बार फिर से आपके साथ लाइव डेमो वीडियोस में, जिसमें हम लोग डेमो करते हैं या तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर या फिर किसी कंफ्यूजन के ऊपर। और आज मेरे साथ है प्रकाश जायसवाल। प्रकाश जी, अपने बारे में खुद बताइए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं सर को थैंक्स कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और मैं अहमदाबाद गुजरात से काम करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने एज ए करियर लिया हुआ है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा हूँ। और सर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो हर किसी को ये प्रॉब्लम आता है। और सर मेरा क्वेश्चन ये है जी, कि हम इस बिज़नेस में आने के बाद हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हम एक अच्छे अपलायन के तौर पे अपने टीम को हम सारी चीज़ें सिखा पाए। उसके लिए हमें एक बेस्ट अपलायन बनना बहुत ज़रूरी, लेकिन उसके लिए करना क्या होता है सर? हम ऐसा क्या करें जिससे हम एक अच्छी अपलायन बन सकें? सर देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे अपलायन बनना चाहते हैं ना, तो पहले तो ये सपना देखना बंद कर दीजिए कि मुझे बहुत अच्छी अपलायन बनना है। इसको दिमाग से निकाल दीजिए सर, क्योंकि ये जो अच्छी अपलाइन बनना है ना सर, ये एक बाय प्रोडक्ट चीज़ है सर। मतलब वो ऑटोमेटिक होता है, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब एक पर्पज़ है, एक मकसद है, और आपका दिल साफ है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आगे बढ़ना है और टीम को ग्रो कराना है। और एक्चुअली ये बिजनेस ऐसा है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कर भला तो हो भला, इसमें आप भला करोगे तो ही भला होगा। ठीक है, एक भी ऐसा आदमी करोड़पति नहीं बना जिसकी टीम से लोग लखपति नहीं बने। सही तो बात। लोगों का डेवलपमेंट होगा तभी आपका होगा। देखिए, एक लीडर के रूप में अगर आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितनी डेडिकेशन से करनी चाहिए, जितनी ऑनेस्टी से करनी चाहिए, अगर आप सिर्फ उसको करते रहेंगे ना सर, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे अपलाइन बन जाएंगे। लेकिन आपका फोकस अगर ये रहेगा कि मुझे बहुत अच्छे अपलाइन बनना है, एक अच्छा अपलाइन क्या करता है, एक अच्छा अपलाइन क्या करता है, वो क्या करता होगा, कैसे बात करता होगा, कैसे लोगों को मोटिवेट, तो ये आप गलत रास्ते पर चले जाओगे, आप भटक जाओगे सर। ठीक है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के ऊपर फोकस किया तो वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो गए, पैसा उनको ऑटोमेटिकली मिला, उनको नेम एंड फेम ऑटोमेटिक मिला, वो क्रिकेट के भगवान बन गए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया था, मुझे नेम एंड फेम चाहिए, मुझे बहुत पैसा कमाना है, इसीलिए मैं क्रिकेट खेलूंगा। क्योंकि ऐसा होता तो वो जब फेल हुए तो फिर वो गेम बदल देता ना आदमी की, यार इसमें पैसा नहीं, चलो इसमें चला जाता हूँ। ठीक है, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी की पहली 17 फिल्में फ्लॉप गई थी, लेकिन उनका टारगेट था एक्टर बनना है, भाई मुझे तो एक्टर बनना है, ये नहीं कि 17 फिल्में फ्लॉप गई तो अब चलो मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ, मैं खेल जगत में चला जाता हूँ, मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं। तो वो जो चीज़ें उनको मिली है वो बाय प्रोडक्ट मिली है। ऐसे अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं, तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि टीम जो है ना वो अपलाइन की कॉपी होती है, डुप्लीकेट होती है सर। ठीक है ना, जैसे मैं कई बार लोगों को मिलके उनके अपलाइन के बारे में बोल दूंगा कि इसकी अपलाइन कैसी है। जैसे 3 लोगों से मिले, उनको बोला और सर क्या चल रहा है आजकल, हाँ सर चल रहा है, कर रहे हैं, नहीं नहीं कोशिश तो जारी है, तो इसका अपलाइन बहुत ठंडा आदमी होगा सर, इसका अपलाइन वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए। और दूसरे 3 को मिले कि क्या चला, अरे सर बहुत मज़ा आ रहा है, तूफान खड़ा कर देंगे, देखिए सर अभी तो मिल गया है रास्ता, अब तो मज़ा आने वाला है सर, सपने पूरे करेंगे, मतलब आदमी के अंदर इतना जोश है, इसका अपलाइन जोशीला होगा। तो टीम तो आपकी कॉपी है सर। ठीक है, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छे अपलाइन या बहुत अच्छे लीडर बनने के लिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी टीम के प्रति मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो मैं निभा रहा हूँ क्या। क्योंकि ये बिजनेस में कुछ लोग ना बहुत सेल्फिश होकर चलते हैं, भाई मैं अपना देख लूंगा, लेकिन आप नहीं देख पाओगे, नहीं हो पाएगा। आपके मन में ये चीज़ें कि इससे ये करा लूँ वो करा लूँ मेरा ये टारगेट खत्म हो जाए, वो टीम डेवलप ही नहीं होगी। वो एक बार आप फायदा उठाओगे, दूसरी बार आप कर ही नहीं पाओगे। और जिस दिन, और कई सारे लोग हैं सर, उनके डाउनलाइन उनको भाप लेते हैं, ये अपने फायदे के लिए मुझसे परचेज करा रहा है, अपने फायदे के लिए ये करा रहा है, अपने फायदे के लिए वो करा रहा है। लेकिन सर लोग बड़े समझदार है सर, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, लोग बड़े समझदार है, तो वो टीम नहीं बन पाएगी कभी। फिर वो नए लोग ढूंढते, उनको जोड़ते, उनको लूटते हैं, फिर नए जोड़ते, टीम नहीं बना पाते वो लोग। तो जब दिल साफ है और आप अपना काम करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे लीडर बन जाते हैं और अच्छी अपलाइन भी बन जाते हैं, मुझे ये लगता है सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे आने के लिए, और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मज़ा आया मुझे भी। और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।